हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज अ वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। इस टॉपिक को आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। जब भी पढ़ा होगा कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो आज हम लोग इतने इजी तरीके से इस टॉपिक को कवर करेंगे कि आप यदि 5 मिनट अगले कुछ समय तक यदि रुक गए तो ये टॉपिक आपका चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया? प्रपोज बाई बीटर एंड टॉटन ने। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसके द्वारा प्रपोज किया गया? बीटर एंड टॉटन के द्वारा। कब? 1942 में। तो सबसे पहली लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने प्रपोज किया? बीटर एंड टॉटन, बीटर एंड टॉटन ने। एक्सपेरिमेंट किस पर किया उन्होंने? अपना एक्सपेरिमेंट किस पर कंडक्ट किया था? न्यूरोस्पोरा क्रैसा। न्यूरोस्पोरा क्रैसा क्या है बच्चों? ये एक फंगस है। ये क्या? एक फंगस है। इसे रेड माउल्ड या पिंक माउल्ड भी कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। न्यूरोस्पोरा इज आल्सो नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये बात थी आपके न्यूरोस्पोरा की। इतने पॉइंट आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलते हैं हम एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट पर। ये हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अभी के अभी इन्हें लर्न करना है। अब देखिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया कैसे। देखिए बीटल एंड टॉटन ने क्या किया, न्यूरोस्पोरा के एसेक्सुअल स्पोर लिए। बच्चों बीडम एंड टॉटन ने क्या किया, न्यूरोस्पोरा के एसेक्सुअल स्पोर लिए। एसेक्सुअल स्पोर जिनको हमने कह दिया, जो नेचुरल स्पोर है उनको कह दिया वाइल्ड स्पोर। ये क्या है? नेचुरल स्पोर है, ठीक है, इनको हमने कहा वाइल्ड स्पोर। इन वाइल्ड स्पोर को उन्होंने क्या करा, मिनिमल कल्चर में डाला। मिनिमल कल्चर किसे कहा गया? ऐसा कल्चर जहाँ पर क्या था, शुगर है, सॉल्ट है और बायोटिन विटामिन, तो उसे हमने कह दिया मिनिमल कल्चर, ठीक है। मिनिमल कल्चर में कोई भी अमीनो एसिड नहीं है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, कोई भी अमीनो एसिड यहाँ पर नहीं है। तो जब इन्होंने इस वाइल्ड स्पोर को डाला तो यहाँ पर बढ़िया सी ग्रोथ हुई, एकदम हंसते खेलते हुए न्यूरोस्पोरा बन गए। तो यहाँ पर बढ़िया ग्रोथ हुई तो उनको लगा कि चलिए कुछ चेंजेस करते हैं। उन्होंने क्या किया, इन वाइल्ड स्पोर जो नेचुरल स्पोर हैं इन पर इन्होंने क्या किया, एक्सरे डाला। इन स्पोर को उन्होंने क्या किया, इरेडिएटेड किया, मतलब इस पर उन्होंने क्या किया, एक्सरे डाला। जब इन पर एक्सरे पड़ी तो इनमें म्यूटेशन हो गया। जब इन स्पोर में म्यूटेशन हो गया तो उनको हमने कहा म्यूटेटेड स्पोर। उन्हें हमने क्या कहा बच्चों, म्यूटेटेड स्पोर, ठीक है। अब इन म्यूटेटेड स्पोर को उन्होंने क्या किया, फिर से ये जो मिनिमल कल्चर था ना पहले वाला, उसी मिनिमल कल्चर में डाला। तो यहाँ पर क्या हुआ, ग्रोथ नहीं हुई, कोई भी ग्रोथ यहाँ पर नहीं हुई। यहाँ पर देखिए सीड जो है मुंह लटका के बोल रहा है, अरे भैया भैया ग्रोथ रुक गई है, भैया कुछ डालो इसमें, ग्रोथ नहीं हो रही, भैया भैया बचाओ, ग्रोथ नहीं हो रही। तो बीटल एंड टॉटन ने कहा परेशान मत हो, सोचने दो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भर के इस जो मिनिमल कल्चर था उसने भर के क्या डाल दिया, अमीनो एसिड। अब जब अमीनो एसिड डाला तो इसे हमने कह दिया कंप्लीट मीडियम। इसे हमने क्या कहा, कंप्लीट मीडियम। यानी कंप्लीट मीडियम में क्या क्या होगा, शुगर होगी, साल्ट होगी, विटामिन होगा और अमीनो एसिड होंगे। तो इसे हमने कह दिया क्या, कंप्लीट मीडियम। अब जब इस कंप्लीट मीडियम में उन्होंने म्यूटेटेड स्पोर को डाला तो क्या हुआ, एकदम हंसते खिलते से ग्रोथ हो गई, न्यूरोस्पोरा बन गए। तो यहाँ पर ग्रोथ हो गई तो इससे बीडम एंड टॉटन को समझ में आया कि अमीनो एसिड से रिलेटेड कुछ लोचा यहाँ पर जरूर है। किससे रिलेटेड बच्चों, अमीनो एसिड वाला लोचा यहाँ पर जरूर है। अब हम चेक करेंगे कि कौन से अमीनो एसिड के डालने पर ग्रोथ हुई है। तो कंक्लूजन पार्ट अब हम चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब हम आ गए हैं वीडियो के कंक्लूजन पार्ट पर। देखें बीटल एंड टॉटन ने क्या किया कि उन्होंने मिनिमल कल्चर तो लिया और अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। जैसे यहाँ पर उन्होंने ग्लाइसिन डाला, ये क्या है, अमीनो एसिड है। और यहाँ पर मिनिमल कल्चर मतलब क्या होगा, यहाँ पर पहले से यहाँ पर क्या होगा, शुगर होगा, सॉल्ट होगा, विटामिन होगा और ग्लाइसिन अमीनो एसिड डाल दिया। इसमें डाला उन्होंने एलानिन, इसमें डाला ल्यूसिन, इसमें आर्जिनिन, सेरीन और टायरोसिन। इस तरह से हमने कुछ अमीनो एसिड लेकर के आपको दिखाया है। तो उन्होंने देखा कि जिसमें ग्लाइसिन अमीनो एसिड है ग्रोथ नहीं हुई, एलानिन वाले में ग्रोथ नहीं हुई, ल्यूसिन वाले में ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन
आर्जिनिन अमीनो एसिड जिसमें प्रेजेंट था उसमें ग्रोथ हो गई, वहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे गई, बाकी के किसी अमीनो एसिड में ग्रोथ नहीं हुई। तो उन्होंने कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया कि न्यूरोस्पोरा के उस जीन में म्यूटेशन हो गया, न्यूरोस्पोरा के उस जीन में म्यूटेशन हो गया जो आर्जिनिन अमीनो एसिड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम रहा होगा। मतलब उस जीन में म्यूटेशन हो गया जो उस पर्टिकुलर एंजाइम को नहीं निकाल रहा होगा जो आर्जिनिन में कन्वर्ट करता रहा होगा। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमने क्या लिया है बच्चों, डीएनए लिया है, जैसे कि कोई सबस्ट्रेट है ग्लूटामिक एसिड, ये ग्लूटामिक एसिड ऑर्निथिन में तभी कन्वर्ट होगा जब यहाँ पर कोई स्पेसिफिक एंजाइम आएगा और इस स्पेसिफिक एंजाइम को निकालने के लिए कोई पर्टिकुलर जीन होगा जिसको हमने जीन वन नाम दे दिया है। अब ये ऑर्निथिन सिट्रुलिन में तभी कन्वर्ट होगा जब कोई पर्टिकुलर इसको कन्वर्ट करने वाला एंजाइम आएगा, और ये एंजाइम कौन निकालेगा, कोई स्पेसिफिक जीन ही निकालेगा जिसको हमने जीन टू दे दिया नाम। अब ये सिट्रुलिन आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट होगा, उसके लिए कोई एंजाइम आएगा और उस एंजाइम के लिए कोई पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ये आर्जिनोसक्सिनेट आर्जिनिन में तभी कन्वर्ट होगा जब एंजाइम एच यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एंजाइम एच आकर मिलेगा और इस एंजाइम एच के लिए कोई पर्टिकुलर जीन ही रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी जो न्यूरोस्पोरा के सीड थे उनमें म्यूटेशन कहाँ पर हो गया, इस वाले जीन में म्यूटेशन हो गया, जीन फोर। ये कोई जीन है जिस पर क्या हुआ, न्यूरोस्पोरा के केस में म्यूटेशन हो गया और उन्होंने इस एंजाइम को निकालना बंद कर दिया जिससे आर्जिनोसक्सिनेट आर्जिनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाया और न्यूरोस्पोरा में ग्रोथ रुक गई थी। और जैसे ही हमने आर्जिनिन डाल दिया उनमें ग्रोथ शुरू हो गई। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इस पर्टिकुलर एंजाइम के ना निकलने की वजह से आर्जिनिन नहीं बन पा रहा था और न्यूरोस्पोरा में ग्रोथ रुक गई। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पर्टिकुलर जीन किसी पर्टिकुलर एंजाइम के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। मान लीजिए कि ये वाला जीन म्यूटेशन हो जाए तो ये एंजाइम निकलना बंद हो जाएगा तो ऑर्निथिन सिट्रुलिन में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब पर्टिकुलर जीन पर्टिकुलर एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इस तरह से अब मेटाबॉलिक पाथवे चलता रहता है। तो ये था आपका वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। अब देखिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, इसमें मॉडिफिकेशन किया गया मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, क्योंकि हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जानते हैं जैसे मान लीजिए कोई जीन है, जीन क्या करता है बच्चों, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस द्वारा, इसके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा मैसेंजर आरएनए बनाता है और ये मैसेंजर आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ये मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाता है किस प्रोसेस के द्वारा, ट्रांसलेशन के द्वारा। तो बच्चों की जो प्रोटीन है ये एंजाइम भी हो सकती है, हार्मोन भी हो सकती है। तो बहुत से ऐसे जीन हैं जो नॉन एंजाइम प्रोटीन को कोड कर रहे हैं, बहुत से ऐसे जीन हैं जो नॉन एंजाइम प्रोटीन को कोड कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे प्रोटीन हैं जो कई पॉलीपेप्टाइड से बने हैं और उन प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड को कोड करने के लिए कोई पर्टिकुलर जीन है। तो बच्चों ये है आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो बच्चों ये आपका हमने यहाँ से क्लियर कर लिया वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस जो बीडल एंड टॉटन ने 1942 में दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।